बरेली में आंवला भमोरा रोड स्थित विलोरी गांव के पास गुरुवार सुबह ट्रक और टेम्पो की जोरदार टक्कर में टेम्पो में बैठी हुई अलग अलग गांवों की 8 सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गईं, वहीं एक घायल की उपचार के दौरान मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। एम्बुलेंस आने में समय लग रहा था और घायलों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें थाने की गाड़ी से ही अस्पताल भिजवाया गया। हालांकि सूचना पाकर दो एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंच गई थीं। घटना में घायल हुए दो लोगों की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। ट्रक चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। घटना में जीसुख और उनका बेटा राजकुमार, गंगा सिंह, गजेंद्र उर्फ गुड्डू, नरेश पाल मौर्य, उनका बेटा लव मौर्य, दीक्षा गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि धर्मवीर नाम के एक युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। सूचना मिलते ही मृतक के घर में कोहराम मच गया। सभी लोग देवचरा से आंवला जा रहे थे। इसमें युवती दीक्षा और जीसुख की हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। हादसे में टेम्पो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है।